फ्रेंड्स एंड फैमिली, हमारा आज का बैक वर्कआउट जो कि बहुत ही इफेक्टिव होगा, और इस बैक वर्कआउट में मैं आप लोगों के लिए एक से एक वेरिएशन लेके आया हूं जहां पे यार आप अपने बैक को इजीली वर्कआउट के थ्रू ग्रो कर सकते हो। तो प्लीज मेरे साथ आप सब एंड तक बने रहना और वीडियो को अच्छे से देखते हुए पूरे वर्कआउट को सेफ्टी के साथ परफॉर्म करना। और जितने भी नए भाई देख रहे हैं, वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों तक भी सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार ये हमारे बैक वर्कआउट का वार्म अप सेट है जहां पे हम बॉडी वेट और मशीन का यूज करते हुए परफॉर्म करेंगे। तीन सेट कैसे करेंगे आप प्लीज अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। फर्स्ट आप यहाँ पे चिन अप परफॉर्म कर लेंगे इस तरीके से, जो आप लोगों का होगा 10 बार। जैसे ही आपने इसे 10 बार परफॉर्म किया, फिर आप यहीं पे बॉडी वेट ट्रेनिंग में इस तरीके से इसे 10 बार परफॉर्म कर लेंगे। और जैसे ये भी 10 बार हो जाएगा, फिर आप यहाँ मशीन में क्रॉस केबल में आ जाएंगे और अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये पूरे बैक को हमारे स्ट्रेच भी कर देगा और अच्छा खासा इफेक्ट भी ला देगा। तो इसे आप 15 बार परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, पहले चिन अप, सेकंड में वो, थर्ड में, तो तीनों को आपको एक साथ परफॉर्म करना है, तब एक सेट होगा। ऐसे ही आप सब 3 सेट परफॉर्म कर लीजिएगा, इसके बाद हमारा वर्कआउट स्टार्ट होता है। चलिए तो यार अब हम हमारा बैक का वर्कआउट परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आप बारबल को इस तरीके से 8 बार परफॉर्म करेंगे। जैसे ही आपका 8 बार हो जाएगा, तुरंत आप मशीन की तरफ आएंगे और मशीन में आप इस तरीके से इसे परफॉर्म करेंगे, जो आप लोगों का होगा 13 बार। और जैसे ही आपका ये 13 बार हो जाएगा, फिर आप इधर आएंगे और इस मशीन भी आप 13 बार परफॉर्म करेंगे। तो यहां भी यार हमें ये तीनों वर्कआउट को एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करना है। जहां मैं बिगनर्स और जूनियर का वेट बता दूं, बिगनर्स गर्ल्स का सेम होने वाला है। बारबेल में आप लोग 2.5-7.5 ले लेंगे, बिगनर्स एंड गर्ल्स एंड जूनियर 5-7.5-10 तक ले सकते हैं, बट ये एक अंदाज वेट है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ज्यादा लगे तो कम कर लीजिए, कम लगे तो ज्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि इसे जब आप 8 बार करेंगे, इसे 13 बार, इसे 13 बार, इसके बाद जो आपका बैक है ना वो ऑलमोस्ट फुलर हो जाएगा। मगर ध्यान यही रखना है आप लोगों को, एक साथ ये तीनों को परफॉर्म करना है, इसके बीच में आप लोगों को रेस्ट नहीं लेना। जैसे परफॉर्म कर लेंगे रेस्ट, तब आप कर सकते हैं, और बाकायदा पोजिंग करिएगा उस रेस्ट के टाइमिंग पे, तो और भी ज्यादा अच्छा इफेक्ट आपके बैक में आपको देखने मिल पाएगा। इसके बाद हमारे वर्कआउट का राउंड 2 है जहां पे यार आपके लैट्स बहुत अच्छे से टारगेट होंगे इस वर्कआउट में। प्लीज अच्छे से देखिएगा आप, यहां भी हम डंबल एंड मशीन का यूज करेंगे। फर्स्ट यहां इंक्लाइन बेंच, तो आप लोग इस तरीके से परफॉर्म कर लेना, ये आप परफॉर्म करेंगे 10 बार। और जैसे ही आपने इसे 10 बार परफॉर्म किया, फिर आप यहां पे डंबल को रख दीजिएगा और यही बेंच को आप फिर यहां ले लीजिएगा, और लेने के तुरंत बाद आप या अच्छे से देखिए यार, वेट वेट कम करके बता दे रहा हूं पहले, ये सब डेमो है। तो इसे आप 13 बार परफॉर्म करेंगे, जैसे ही आपका ये 13 बार हो जाएगा, फिर आप यहां पे क्लोज ग्रिप, इसे परफॉर्म कर लेंगे 13 बार। तो यहां भी यार आप लोगों को एक ही चीज का ध्यान रखना है, 2 बेंच रख लेना, एक यहां पे और एक यहां पे, और ये तीनों वर्कआउट को आपको एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करना है, तब आपका एक सेट होगा। और सेट के बीच में कोई रेस्ट नहीं रखना, और जो एकदम न्यू भी है वो भले रुक के कर सकते हैं, जिनको हेल्थ कंडीशन है या हेल्थ में प्रॉब्लम्स है, कई जिनको रहता है ओवर बॉडी फैट परसेंट वाले,
परफॉर्म करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, जैसे अभी यार मैं भी थक गया हूँ बताते बताते, क्योंकि अब भी जस्ट मैं अपने शोल्डर वर्कआउट को कंप्लीट किया हूँ, कंप्लीट करके आप लोगों के लिए वीडियो को बना रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे सांस फूल रही है। तो कॉमन सी बात है कि जब आप इस तरीके से सुपर सेट परफॉर्म करते हैं तो आपका जो ब्रीथिंग है वो ज़्यादा स्पीड हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को ना हो, इसलिए यार आप लोग वन बाय वन भी कर सकते हैं, बट अगर ये तीनों को एक साथ अटैच करके परफॉर्म करेंगे तो यार टीम लेवल का रिजल्ट आप अपने लैट्स में देख पाएंगे और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट्स आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं बिगनर्स और जूनियर्स का वेट बता देता हूँ, बिगनर्स गर्ल्स का सेम होगा, बिगनर्स 2.5-5.75 तक ले सकते हैं या फिर 5-7.5-10 तक जा सकते हैं इंक्लाइंड बेंच डंबल में, ठीक है। और यहाँ पे जूनियर ले लेंगे 7.5-10-12.5 तक या फिर 5-7.5-10 भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको एकदम ज़्यादा वेट लेना है, लोड करना है, क्योंकि यार ये वर्कआउट ही ऐसा है कि आप इसको अगर नॉर्मल वेट में ही परफॉर्म करेंगे तो अच्छा खासा आप इफेक्ट देख पाएंगे। और यहाँ पे सीनियर इंटरमीडिएट खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यार मशीन में भी आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, बिगनर एंड जूनियर्स एंड गर्ल्स, बाकी इंटरमीडिएट सीनियर को तो पता ही है क्या वेट लेना है। इसके बाद हमारे वर्कआउट का फाइनल राउंड और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव राउंड भी है, क्योंकि यहाँ भी आपके लैट्स और अच्छे से टारगेट होंगे, और जब तक यार लैट्स बड़े नहीं होते तब तक यार आपके बैक्स इतने अच्छे नहीं दिख पाते हैं, इसलिए हम लैट्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं बैक वर्कआउट में। तो यहाँ पे आप फर्स्ट सिंगल एंड डंबल परफॉर्म कर लेंगे, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे बेंच का यूज करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं, इफेक्ट दोनों में सेम ही आएगा, बस आप अपने फॉर्म और पॉस्चर को बिगड़ने मत दीजिएगा जब आप परफॉर्म करते हैं। तो इसे आप 10 बार परफॉर्म करेंगे, जैसे ही आपका ये 10 बार हो जाएगा दोनों हाथ से कर लीजिएगा, फिर आप यहीं पे मशीन में थोड़ा सा, यार मेरा मशीन डिफेक्टिव है इसलिए आवाज आता है, इसे आप दोनों हाथ से 13-13 बार परफॉर्म कर लेना, और जैसे ही आपका ये 13-13 बार हो जाएगा यहाँ पे आप इस मशीन में इसे भी परफॉर्म कर लेना 13 बार, दोनों साइड्स का बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना जाए। यहाँ पे हमारा ओवरऑल अब पूरा वर्कआउट कंप्लीट होता है, मगर आप सबको ध्यान रखना है कि यहाँ भी आपको तीनों वर्कआउट को एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करना, तब एक सेट होगा, ऐसी तीन सेट परफॉर्म कर लेना। जहाँ पे बिगनर्स एंड जूनियर का मैं वेट बता दूं, बिगनर्स और गर्ल्स का सेम होगा, 5-7.5-10 तक ले सकते हैं सिंगल एंड में, और जूनियर यहाँ पे 7.5-10-12.5 तक ले सकते हैं, बट यार वेट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा, कम ज्यादा आप कर सकते हैं। बस याद रखिए जब ये तीनों वर्कआउट को आपको एक साथ ऐड करके परफॉर्म करना है तो ज़्यादा वेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे हम पूरा बैक वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, मगर आप सबको ध्यान रखना है सेफ्टी का, बेल्ट जरूर पहनिएगा, और बकायदा हर वर्कआउट के रेस्ट टाइमिंग पे इस तरीके से पोजिंग कर करके अपने आप को ट्रैक करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।